चलिए अब रुक करते हैं बड़ी खबर का और आपको बता दें कि भिलवाड़ा एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। आसिंद नगर पालिका का कार्यकारी अधिकारी ट्रैप हुआ है। 50,000 रुपए की रिश्वत के साथ पिंटू लाल जाट गिरफ्तार हुआ है। मकान निर्माण की स्वीकृति के लिए घूस मांगी थी। एडिशनल एसपी ब्रिजराज सिंह के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई की गई। एडीजी दिनेश एमन के निर्देश पर यह पूरी कार्रवाई हुई। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे, किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया? ये जो एडिशनल एसपी है ब्रजराज सिंह, जिनके नेतृत्व में पूरी कार्रवाई की गई और मकान निर्माण की स्वीकृति के लिए एक जिस तरह से एक तरफ तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संवेदनशीलता दिखाते हुए लोगों को बिना चक्कर कटवाए काम करवाने की गारंटी दे रहे हैं, उधर दूसरी तरफ जो भ्रष्टाचारी है वो बराबर अपनी वारदातों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। और यही वजह है कि आज एक निर्माण स्वीकृति के मामले में 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए जो कार्यकारी अधिकारी है आसिम नगर पालिका का, उसको ट्रेप किया 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए। और बताया जा रहा है अभी जो एसीबी के जो सूत्र बता रहे हैं कि इसका गुलाबपुरा में भी कोई आवास है, वहां पर भी एक टीम को रवाना किया है जो उसके आवास पर भी सर्च करने जा रही है। जुदा बिल्कुल नवीन, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो पूरी रिश्वत का मामला था ये कब से चल रहा था? अब ये आप अंदाजा लगा सकते हो कि जिस तरह से कार्रवाइयां चल रही है लगातार, एसीबी के जो मुखिया है भगवान लाल सोनी और दिनेश एनएम के नेतृत्व में जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, ये लगातार पिछले कुछ समय से यहाँ पे तैनात है। और इनके पास में आसिम का भी पिंटू के पास में चार्ज था, और ये जो एक भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं, आसिम में एक नगर पालिका के ऊपर अभी जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, बराबर आरोप लग रहे हैं, खुद पूर्व एमएलए जो है आगामी लाल मेवाड़ा वो बराबर आरोप लगा रहे हैं कि आसिम नगर पालिका में जिस तरह से काम चल रहा है और भ्रष्टाचार की शिकायतें वो बराबर कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये जो अधिकारी और कर्मचारी है वो बाज नहीं आ रहे हैं, और यही वजह है कि आज ये रंगे हाथों पकड़ा गया। बिल्कुल नवीन, भ्रष्टाचार का संक्रमण लगातार जारी है, पर ऐसे में एंटी करप्शन ब्यूरो भी ताबड़तोड़ कार्रवाई के जरिए इस पर अंकुश लगाने में जुटा हुआ है, घुसखोरों पर नकेल कस रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।